कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है। ट्रंप ने हाउस के अंदर हिंसा करने वालों की निंदा करते हुए कहा है कि तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले लोग अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हिंसा करने वाले सच्चे अमेरिकी नहीं हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अब उनका पूरा ध्यान सत्ता के हस्तांतरण पर लगा हुआ है। To those who engage in the acts of violence and destruction. आप लोग जो हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल हैं, आप हमारे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, और जिन लोगों ने कानून तोड़ा है उन्हें भुगतना पड़ेगा। हम एक संघर्षपूर्ण चुनाव से गुजरे हैं और भावनाएं तेज हैं, अब संयम रखना पड़ेगा। मैं केवल इतना चाहता था कि हर वोटर की सही पहचान हो, जिससे चुनाव सही हो। अब कांग्रेस ने नतीजों पर मोहर लगा दी है। 20 जनवरी को नया प्रशासन काम शुरू करेगा। मेरा ध्यान अब सत्ता के सुचारू हस्तांतरण पर लगा है। To ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, सुबह 7:25 से भविष्यवाणी बिना ब्रेक के नॉनस्टॉप देखिए और आचार्य इंद्रप्रकाश से जानिए कब करें घर बनाने की शुरुआत, किस योग में लक्ष्मी का हो गृह प्रवेश। इसके साथ ही आचार्य इंद्रप्रकाश से जानिए ग्रहों की चाल में किस्मत का हाल, कौन होगा बेहाल, कैसे बने खुशहाल। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कैपिटल हिंसा के बाद कैसे मुश्किल में पड़े डोनाल्ड ट्रंप।